बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आज हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है और चैप्टर नंबर 2 बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट चैप्टर है हमारी। आज बड़ी बुनियादी डिस्कशन होगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर और इंशाल्लाह कल हम उसको आगे लेके चलेंगे। हमने आपसे ये बात डिस्कस की हुई कि 5 days a week क्लास है और आपका सैटरडे ऑफ होगा, तो इस वीक की ये लास्ट क्लास है। अलबत्ता आज हम काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादी सारी बातें आपसे कर लेंगे, इंशाल्लाह फिर मंडे से इसको फुल फ्लैज लेके चलेंगे। सर जी, कॉन्ट्रैक्ट से आपके जहन में फौरी तौर पे क्या आता है? मुआहिदा। ठीक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट से आपके जहन में आता है मुआहिदा। कुछ मुआहिदे ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो तकरीबन सब लोगों ने देखे हैं। मिसाल के तौर पे किराएदारी का मुआहिदा है, ठीक हो गया, उसमें एक बंदा दूसरे को कहता है क्या तुम मुझे अपना मकान 50,000 रुपये महाना किराए पर दोगे? ये किसने कहा है? ये ए ने कहा है बी को, क्या तुम अपना मकान मुझे किराए पर दोगे 50,000 रुपये महाना पे? तो बी ने आगे से कहा हाँ। इन दोनों के दरमियान ये ए ने बी को ये वाला जुमला जो कहा, बेसिकली ये क्या थी? ये पेशकश थी, ये ऑफर थी। बी ने ए की हुई ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया यानी हाँ कर। क्या तुम मुझे अपना मकान 50,000 रुपये किराए पर दोगे? ए ने बी को कहा, बी ने कहा हाँ मैं दूंगा। ऑफर क्या हो गई? एक्सेप्ट हो गई। याद रखिएगा, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस वादा हो गया, बात तय हो गई। ऑफर करने वाले को ऑफरर कहा जाता है। ऑफर के लिए एक लफ्ज जो बोला जाता है वो प्रपोजल भी बोला जाता है, और ऑफर करने वाले को प्रपोजर भी कहा जाता है। छोटी छोटी बातें भी आपसे डिस्कस करूंगा ताकि कहीं कोई बात मिस ना हो जाए। ऑफर करने वाले को ऑफरर, प्रपोजल देने वाले को प्रपोजर कहा जाता है। ये जब एक्सेप्ट हो जाए तो प्रॉमिस बन जाता है। एक्सेप्ट कर, ऑफर करने वाले को ऑफरर और जिसको ऑफर की जाए उसको ऑफरी। शाबाश। प्रपोजल देने वाले को प्रपोजर और जिसको प्रपोजल दिया जाए प्रोपोजी। अब इस सिनेरियो में ए ने बी को कहा क्या तुम अपना मकान 50,000 रुपये महाना किराए पर मुझे दे सकते हो या दोगे? ए था ऑफरर, बी था ऑफरी। और यस और नो? फिर समझ आ रही है बात? ऑफरर, ऑफरी, प्रपोजल, प्रपोजी तक हो गई। सर एक तो इसने जवाब दे दिया ना हाँ, तो ये एक तरफ है। सर ये भी हो सकता था कि ये निक्की जी यहां ना करता और क्या कर देता? ना कर देता।
अगर ये ना कर देता तो क्या होता? ये ऑफर रिजेक्ट हो जाती। अगर ये अच्छा अब सुनना, ऑफर एक्सेप्ट हो गई तो ये क्या हो गया? प्रॉमिस। ऑफर रिजेक्ट हो गई तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं, ऑफर भी खत्म और एक्सेप्टेंस तो ही नहीं। अब मैं आपको एक अगले स्टेप पे लेके जाने लगा हूं। सर जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए इसको कहते हैं प्रोमिसर। ऑफर एक्सेप्ट होके क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। तो ऑफर देने वाले को क्या कहेंगे? प्रोमिसर। जिसको ऑफर की गई उसको क्या कहेंगे? प्रोमिजी। और इसको एक्सेप्टर भी कहेंगे। अब अगले जुमले पे बड़ी ध्यान से गौर करना। अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो यही ऑफरर प्रोमिसर बन जाता है। यस और नो? लेकिन अगर ऑफर एक्सेप्ट ना हो तो ये ऑफरर तो रहता है लेकिन प्रोमिसर नहीं बनता। सर प्रोमिसर तो तब बनेगा ना जब प्रोमिस होगा, प्रोमिस तब होगा जब एक्सेप्टेंस होगी। बिल्कुल पहली लाइन पे हूं मैं। हमने बड़ी डिटेल में पूरा कोर्स पढ़ना है, एक एक पहलू, छोटी छोटी बात। सर मैंने आपको प्रपोजर बताया क्या होता है, ऑफरर बताया क्या होता है। ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो प्रॉमिस, प्रॉमिस होने पर प्रोमिसर प्रोमिजी, ऑफर एक्सेप्ट ना हो तो ये प्रपोजर और ऑफरर तो रहेगा लेकिन ये प्रोमिसर नहीं बनेगा। ये ऑफरी और प्रपोजी तो रहेगा लेकिन प्रोमिजी नहीं बनेगा। सर बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने लगा, मुझे एक बार आप सब लोगों ने बताना है ऑफर, मैं कुछ लफ्ज बोलने लगा, ऑफर ऑफरर प्रपोजर प्रपोजल प्रपोजर और प्रोमिसर, ये पांच लफ्ज समझ आ गए? ऑफर और ऑफरर प्रपोजल और प्रपोजर प्रोमिसर, क्या ये पांच लफ्ज समझ आ गए? यस और नो? आगे चलो। एक्सेप्टेंस, ऑफरी, प्रोमिजी, ऑफरी प्रोमिजी प्रपोजी एक्सेप्टर। सर क्या ये सारे लफ्ज समझ आ गए? अच्छा अगर यहां तक आप पहुंच गए तो मुझे अब एक स्टेप आगे चलना है। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन शामिल होती है, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन शामिल होती है तो ये एग्रीमेंट बन जाता है। अब अगला पहलू ये है कि सर व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन कहते हैं बदला, कंसिडरेशन कहते हैं एवज। स
सर आप मुझे बताएं 50,000 रुपये के एवज उसको अपना मकान, वो मकान किराए पर ले रहे हैं एक माह के लिए, यस और नो? कंसिडरेशन क्या हुई? मकान का कब्जा एक महीने के लिए और 50,000 रुपये। सर ए ने बी को कहा क्या तुम अपना मकान 50,000 रुपये महाना पर किराए पर दोगे? बी ने कहा हाँ। ए ने बी को 50,000 रुपया महाना दिया। ए की कंसिडरेशन क्या है? मकान जो किराए पर ले रहा है। बी की कंसिडरेशन क्या है? 50,000 रुपया जो वो मकान के एवज ले रहा है। सर सिंपल कर देते हैं। सर आपने फीस जमा कराई और पढ़े, राइज वालों ने आपको पढ़ाने के एवज क्या लिया है? फीस ली। और आपने फीस के एवज क्या ले रहे हैं? ये क्लासेस ले रहे हैं। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? सो कंसिडरेशन होता है एवज, बदला, प्रॉमिस है और उसमें कंसिडरेशन है एक दूसरे के लिए, तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। प्रॉमिस और कंसिडरेशन जब एक दूसरे के लिए हो तो ये क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। अब ये सारे लफ्ज बताने के बाद जो मैंने नया लफ्ज बताया वो कंसिडरेशन था। कंसिडरेशन यानी बदला यानी एवज। आप एक चीज के एवज दूसरी चीज ले रहे होते हैं, बदला या एवज। जब प्रॉमिस हो और कंसिडरेशन भी हो तो ये एग्रीमेंट बन जाता है, और जब ये एग्रीमेंट enforceable by law हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। अब ये गेम आ गई कि what is enforceable by law? Enforceable कहते हैं नाफिज करना, अमल दरामद करवाना। अमल दरामद करवाना कानूनी तौर पर। सर एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसको अब एक्सप्लेन करने लगा। एनफोर्सेबल होता है जिस पर अमल दरामद करवाया जा सके। सर आपने कभी नोट किया है कि ये करायनामा स्टाम्प पेपर पे क्यों लिखा जाता है? ताकि कल को कोई बंदा मुकर जाए तो हम पुलिस स्टेशन थाने पे जाके रिपोर्ट दर्ज करा दें उसके खिलाफ। और यस और नो? सर अमल दरामद करवा सके, दो गवाहान की मौजूदगी में वो गवाहों के साइन होते हैं। क्यों? अमल दरामद करवाया जा सके। सर नाफिज करवाया जा सके, एनफोर्स करवाया जा सके। सर अगर एक एग्रीमेंट है और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मिसाल लीजिए, ए ने बी को कहा मैं तुम्हें 50,000 रुपये के एवज एक शराब की बोतल दूंगा। शराब की बोतल बेचना कानूनन जुर्म है पाकिस्तान में, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं। अच्छा उसने उसको 50,000 रुपये ले लिए, शराब की बोतल नहीं दी, वो पुलिस थाने चला गया। थाने जाया कहता है मैंने इसको 50,000 रुपये दिए, इसने मुझे शराब की बोतल नहीं दी। थाने वालों ने उसे उसी वक्त बंद कर लेना कि तुमने भी कॉन्ट्रैक्ट गलत किया, तुम बोतल शराब की बोतल खरीदते बेचते हो। सर समझ आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है वो एनफोर्सेबल नहीं है।
दूसरे नंबर पे डोमेस्टिक एग्रीमेंट, घरेलू। बंदा घर थका थका आया, उसने अपनी बीवी को कहा कि मुझे चाय बना दो, मेरा सर फट रहा है। उसकी बीवी ने कहा आप पहले मुझसे वादा करें कि कल नई वॉशिंग मशीन लेके देंगे। अब बंदे ने कहा चलो ठीक है चाय बना दो। चाय पी, बंदा पागल हो गया, कहता कोई वॉशिंग मशीन नहीं, चलो जो करना करना। बीवी अगले दिन अदालत में चली गई, कहती कि इसने मुझसे वादा किया था। अदालत फैसला करेगी कि आपके घर का मामला है, ये जो मियां बीवी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है ये एनफोर्सेबल नहीं। क्यों सर? ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। ये क्या है? ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि आज तुम मुझे शवारमा खिला दो, कल मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा। आपस में तय हो गया। ये शवारमा खा के वापस अपने गांव चला गया, पिज्जा नहीं खिलाया। अदालत में वो दोस्त गुस्से में आ गया, अदालत में चला गया, कहता भाई ये मुझे मेरा शवारमा खा के तो पिज्जा खिलाया ही नहीं। तो अदालत ने फैसला किया ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है। हैं जी, क्या कंसीडरेशन नहीं है? एक एक बंदा एक बंदे को एक चीज खिला रहा है, उसके बदले में दूसरा नहीं खिला रहा, तो तय तो किया था आपस में। सर जी चौथे नंबर पे, बाज़ोकात एग्रीमेंट ऐसा होता है कि नियत ही नहीं होती, नियत ही नहीं होती, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन ही नहीं। इसका क्या मतलब? मिसाल लीजिए, एक खान साहब ने कहा जी कि ये कारपेट, मैंने पूछा खान साहब ये कारपेट क्या? कहते 7,000 रुपये का। मैंने कहा मैं 300 रुपये दूंगा, कहता है दो। सर मेरी नीयत ही नहीं थी वो कारपेट खरीदने की, मेरी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, मैं तो वैसे ही कहा कि मेरी जान छोड़कर, और वो कहते ये 300 ही दो। सर समझ आ रही है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन ना हो तो भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। सर मैं आपको बातों बातों में कॉन्ट्रैक्ट तक ले गया। टारगेट क्या था हमारा? टारगेट ये था कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक चले जाए स्टेप बाय स्टेप। मैं एक बार फिर यही सारी बात आपको एक दूसरे अंदाज से बताता हूँ, जिसके बाद इंशाल्लाह हम इसको फॉर्मली पढ़ना शुरू कर देंगे। सर इस तरफ कैमरा कर दें तो मैं यहाँ पर दोबारा ये बात बता दूँ। सो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन था ऑफर, पेशकश करना। क्या तुम मुझे अपना मकान 50,000 रुपये मानना किराए पर दोगे? ये ऑफर थी। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। शाबाश। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जहां पे एवज और बदला हो प्रॉमिसेस में तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सेबल बाय लॉ, बिकम
कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। सर ये एक तरतीब है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ऑफर ऑफरर प्रपोजल प्रपोजर ये बताया और प्रोमिसर, फिर एक्सेप्टर ऑफरी प्रपोजी प्रोमिजी ये बताया, प्रॉमिस हा अच्छा प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन बदला, उसके बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, और एनफोर्सेबल बाय लॉ में मैंने आपको चार तरह के कॉन्ट्रैक्ट बताए जो एनफोर्सेबल नहीं होते। एक वो जिसमें कानून की खिलाफ वर्जी हो रही होती है, एक वो जो डोमेस्टिक है, एक वो जो सोशल है, और एक वो इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशन कभी थी ही नहीं। तो भाई ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट तक ले आया हूँ। ये जो है बुनियादी तौर पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसको हमने आपके साथ डिस्कस करना है। ये मिटाने वाला सामान का भी है। प्रपोजर प्रपोज करने वाला, प्रपोजल ऑफर को कहते हैं। लो सर ये सारा मैंने आपको बता दिया, अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपने ग्रैब कर लिया है, अब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ रहा होगा। जिस तरतीब में मैंने आपको पढ़ाया है उसी तरतीब में आपको रीड भी कराने लगूंगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऑफर या प्रपोजल। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाइज इजहार करना, टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtain the assent, assent का मतलब रजा मंदी। जब एक बंदा दूसरे बंदे के लिए कोई काम करना या किसी काम से रुकने का इजहार करता है with a view to obtain the assent of the other, दूसरे बंदे की रजामंदी को हासिल करने के लिए कि वो कोई काम कर रहा है या किसी काम से रुक रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्रपोजल दे रहा है यानी ऑफर दे रहा है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी, व्हेन द प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेड the person making the proposal is not a promiser, when the proposal is not accepted the person receiving the proposal is not a promisee, wo offerer aur offeree ho jate hain fir, theek ho gaya। to ye janab hamara sabse pehla point, main proposal ki definition dobara pad raha hu। when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal, the person making the proposal is promiser, the person accepting the proposal is promisee। Sir what is promise? The person to whom the proposal is made, yani promisee, signifies his assent, apni razamandi ka izhar, sir razamandi ka izhar kar de to ye proposal samjha jata hai ki accept ho gaya, aur proposal ek bar accept ho jaye to phir ye kya ban jata hai, promise ban jata hai।
प्रपोजल एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो ये प्रॉमिस बन जाता है, प्रपोजल एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो ये प्रॉमिस बन जाता है। सर जी कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी प्रॉमिस पढ़ लिया उसके बाद एग्रीमेंट। प्रॉमिस ये सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें बदला हो, एवज हो, हम ये दोनों बातें बड़ी डिटेल में कर चुके हैं, तो ये एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सर ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कर लें तो ये प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस और कंसीडरेशन हो तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी हो तो कॉन्ट्रैक्ट। सर चार एग्जांपल्स हैं, जल्दी से पढ़नी है आपने, मेरे साथ पढ़िए, देखिए कहीं को मसला तो नहीं आ रहा। अदील ने ऑफर किया कि वो बाइक खरीदेगा बाबर से 50,000 रुपए की, तो अदील ने क्या किया, ऑफर किया, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ बाबर टू बाय हिज बाइक। ई टू, अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000 टू विच बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली, हियर अदील हैज मेड एन ऑफर एंड बाबर हैज एक्सेप्टेड इट। अदील ने ऑफर किया बाइक खरीदने की बाबर से और बाबर ने पॉजिटिवली जवाब दे दिया तो बाबर ने एक्सेप्ट कर लिया। अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर 50,000 रुपए की टू विच द बाबर रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, हेयर अदील ने ऑफर कर दिया बाबर ने एक्सेप्ट कर लिया। अदील प्रोमिजर है और बाबर प्रोमिजी है, हाँ करने के बाद प्रोमिजर और प्रोमिजी बने हैं, हाँ करने से पहले नहीं थे। तो उसने उसमें कहा अदील ने ऑफर किया और बाबर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। E4, अदील ने ऑफर किया है कि वो बाय करेगा कंप्यूटर बाबर से 50,000 रुपए का, बाबर ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, अदील ने प्रॉमिस किया कि 50,000 पे करेगा, 50,000 कंसिडरेशन है और बाबर ने प्रॉमिस किया कि वो कंप्यूटर दे देगा और कंप्यूटर का देना जो है वो क्या है, कंसिडरेशन। एनफोर्सेबिलिटी, सर अगर यहां पर आ जाइए, अगर एग्रीमेंट हो और एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर एग्रीमेंट हो और एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो एग्रीमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लाजमी होगा। यार बात पिक कर गए हो, सर हर एग्रीमेंट जो होता है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होकर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अंडरस्टूड है कि एग्रीमेंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट हो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो शराब की बोतल बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट, वो जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट तो था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया था। तो वो कहते हैं, अब अगर ये बात समझ आ गई तो अब अंग्रेजी समझना, वो कहते हैं एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट जरूरी नहीं कि एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। An agreement creating a legal obligation is said to be enforceable by law. जहाँ पर legal obligations बनेंगे। The parties to an agreement must be bound to perform their performance in case of default by either of them must intend to sue. Intention to create legal relation, अभी मैंने कहा था
जहां पर आपकी नियत हो। सर आप पता है कि उस स्टाम्प लिखवाते हैं, स्टैम्प पेपर पे जब ये लिखवाया जाता है तो वहां पर बाकायदा वाजे होता है कि हमारी नियत है कि अगर अमल दरामद ना हुआ तो हम केस कर देंगे। फॉरन एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, दिस शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन इंस्टेड। सर लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, सोशल मॉरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए। लो जनाब, मौलाना साहब ने केस कर दिया कि इस बंदे ने ज़कात नहीं दी, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता सर। सर ये आपके रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। सर समझ आ रही है? मॉरल ऑब्लिगेशन इखलाकी तौर पे, मिसाल के तौर पे आप सोशल, आपने वादा किया, कोई कमिटमेंट किया, दोस्तों में बैठे हैं, मियाँ बीवी हैं, मॉरल इखलाकी आप मॉरल ऑब्लिगेशन में वो ये बात करता है कि आपकी बाज़ औक़ात मॉरल ऑब्लिगेशन होती है कि यार वो सैलाबज़दगान है, वो बेचारे परेशान है, मैं उनकी मदद कर दूँ। लेकिन अब कोई सिंध से आके बंदा आप पे केस कर देगा, इसको नज़र नहीं आ रहा कि हम वहाँ पे डूब रहे हैं, हमें डोनेशन नहीं दे रहा, ऐसा सर वो लीगली एनफोर्स नहीं कर सकता। सोशल में मॉरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन जो है वो एनफोर्सेबल नहीं होती, बल्कि सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन एनफोर्सेबल होती हैं जो कानूनी तौर पे हम पर लागू होता है। सर दो एग्जांपल्स हैं, ये करते हैं सर। अदील ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू बाबर फॉर रुपीज 50,000। अदील ने ऑफर किया कि वो बेचेगा बाबर को 50,000 रुपये का फर्नीचर। बाबर ने एक्सेप्ट किया इस ऑफर को, और इस एग्रीमेंट में अगर कोई डिफॉल्ट हो जाए by either party, an action for breach of the contract can be enforced through a court of law, provided all essential elements of valid contract are present in the agreement. Sir, जब अदील ने ऑफर किया बाबर ने टू सेल, बाबर ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, अभी ये प्रॉपर एग्रीमेंट हो गया। अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो एक किसी भी पार्टी के ऊपर राइट होगा कि वो कोर्ट में जाकर इस पर अमल दरामद करवा ले, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ओरल भी एनफोर्सेबल होता है अगर उसके गवाह मौजूद हो तो, गवाहों की मौजूदगी। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा कि कौन प्रूव करेगा कि ये है कि नहीं? जो केस कर रहा है वो करेगा कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये लोग नहीं थे। ठीक है। E6, अदील ने इनवाइट किया बाबर को डिनर के ऊपर, बाबर ने एक्सेप्ट कर लिया, ये एक सोशल एग्रीमेंट है। अगर अदील नहीं आ सका या अदील ने बाबर को खाना नहीं खिलाया तो बाबर अदालत में जाकर उस पर केस नहीं कर सकता। सर ये सोशल एग्रीमेंट है। सर अगला जो पॉइंट है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रॉमिस। एक्सप्रेस कहते हैं जिसको वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए, और इम्प्लाइड कहते हैं जिसको अदर देन वर्ड्स एक्सप्रेस किया। थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, इसको ऐसे समझाता हूँ आपको कि भाई एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दो बातें उसने कही। एक्सप्रेस होता है अल्फाज में कहना, लिख के कह दें, बोल के कह दें। इम्प्लाइड होता है अदरवाइज देन वर्ड्स। दोनों को ध्यान से समझिएगा। मैंने आप क्या तुम अपनी मोटरसाइकिल मुझे 50,000 की बेचोगे, आपने कहा हाँ, ये एक्सप्रेस। मैं बस स्टैंड पर खड़ा था, बस आके रुकी, मैं बस में बैठ गया, उसने इम्प्लाइड ऑफर की, मैंने इम्प्लाइड एक्सेप्ट कर दिया, लव्ज एक भी नहीं बोला किसी ने,
सर समझ आ रही है? एक शू शाइनर बैठा हुआ था, शूज पॉलिश करने वाला बंदा, मैंने जाते हुए उसके आगे अपने शू रख दिए, उसने पॉलिश कर दिए, ना एक लफ्ज उसने बोला ना एक लफ्ज मैंने बोला, मैंने इम्प्लाइड ऑफर की, उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। सर जी मेरी बात समझ आ रही? एक्सप्रेस जहाँ पर वर्ड्स हो, इम्प्लाइड जहाँ पर वर्ड्स ना हो, जहाँ पर वर्ड्स ना हो वो इम्प्लाइड है, वो आपके जेस्चर से होता है, आपके बिहेवियर से होता है। एक और मिसाल मेरे जेहन में आ गई कि जनाब एक बंदा ट्रेन से उतरा है और बड़ा ही ऐसे उसने सामान रखा है, कुली ने उसका सामान पकड़ लिया, वो आगे चल रहा है, कुली उसके पीछे पीछे चलता रहा, उसे पता भी है कि वो चल रहा है। जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, कुली ने कहा भाई 200 रुपया, कहता है किस चीज़ का, मैंने तुम्हें कहा था मेरा सामान उठाओ। इसका जवाब ये है कि भाई इम्प्लाइड था, जब उसने सामान उठाया तुमने उसे देखा, वो तुम्हारे पीछे चला, तुम राजी थे उस वक्त, अब गाड़ी के पास पहुंच गए तो लड़ाई क्यों डाल रहे हो? सर ये क्या है? ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, इम्प्लाइड प्रॉमिस। एक्सप्रेस में अल्फाज की सूरत में कहा जाता है, लिख के कहा जाता है, मिल के कहा जाता है, जबान में इससे कहा जाता है, इम्प्लाइड में ऐसा नहीं होता। इम्प्लाइड में वर्ड्स नहीं होते, आपके जेस्चर्स होते हैं। अच्छा जनाब आगे आगे, अदील ऑफर्स ऑन टेलीफोन टू सेल हिज कार टू बाबर फॉर सर्टन सम, एंड बाबर इन रिप्लाई इनफॉर्म्स अदील दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर। ये एक्सप्रेस है, जबकि वो शू शाइनर के सामने उसने जूते रखे, उसने पॉलिश कर दिए, तो ये क्या है? ये इम्प्लाइड, ये इम्प्लाइड। सर इसमें दोनों, यानी जैसा ऑफरर है वो एक्सप्रेस वर्ड्स में बता दे ऑफर ऐसे जो सारी ला दे, तो ये इम्प्लाइड होगा, एक्सप्रेस होगा? ये एक्सप्रेस होगा, दोनों उसको एक्सप्रेस करें तो एक्सप्रेस। नहीं अगर वो गेस्चर कर सर, हाँ ही ला, सारी ला दे। सर उसने बोला ना, एक ने बोला तो वो एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड में बोला नहीं होता, जेस्चर और एक्चुअल अमल होता है जिससे पता चलता है। तो सर ये यहाँ तक मैं आज आपको रोक रहा हूँ, इंशाल्लाह कल से मुराद अब मंडे है, मैं आपको एक क्विक रिकैप दूंगा इसका, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा आप क्या कहते हैं इससे आगे ऑफर, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन कराऊँगा बड़ी डिटेल में। अभी हमारा प्लान यही है कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपको ये साथ ही चैप्टर नंबर 2 शेयर कर दें, इंशाल्लाह ग्रुप बन गया, इंशाल्लाह बस अब आपके साथ चैप्टर शेयर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी।